राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री का संबोधन देश के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हां, 2022 में 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल के युवाओं को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह ऐलान किया गया कि 3 जनवरी से युवाओं को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही 10 जनवरी से 60 साल से ऊपर की आयु के लोग और फ्रंटलाइन वर्कर को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। ऐलान के बाद वसंत कुंज इलाके में बच्चों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, साथ ही साथ बच्चों के अभिभावकों ने भी प्रधानमंत्री इस ऐलान का आभार व्यक्त किया है। मेरे घर में दो बच्चे हैं, बड़ा बेटा उसकी उम्र करीबन 17 साल है और छोटा बेटा उसकी उम्र 12 साल है। मैं बच्चों की वैक्सीनेशन की काफ़ी देर से वेट कर रहा था क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ ने तो लगा लिए हैं वैक्सीनेशन दोनों के, बट बच्चों के अभी तक नहीं लगे हैं, जिसकी वजह से क्योंकि दिल्ली सरकार ने स्कूल खोल भी दिए हैं 6 से ऊपर के, बट फिर भी मैं उन्हें स्कूल भेजने में बहुत हिचक रहा हूँ। बहुत पॉजिटिव स्टेप, अप्रिशिएट करती हूँ इस स्टेप को, और पिछले 2 साल में ऑब्जर्व भी किया है अपने बच्चों के साथ भी, पड़ोस में भी, कि बच्चे किस तरीके से मतलब सोशल इंट्रैक्शन स्किल में कमज़ोर हो रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कमज़ोर हो रही हैं, बच्चे सब लोगों के सामने बोलने से डर रहे हैं। और हम गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी की शुक्रिया करने चाहते हैं, ताकि बिकॉज दे हेल्प्ड अस सो मच इन दिस पैंडमिक, वी रियली नीडेड दिस वैक्सीन बिकॉज दीज 2 years वी सफर्ड अ लॉट एज चिल्ड्रन, वी कुडंट गो टू द स्कूल एंड दीज ऑनलाइन क्लासेस रियली लैग्ड अ स्टडीज। इस फैसले से अच्छा फैसला आज के समय में तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे समय में जब सारे वेस्ट अपने आप को वैक्सीनेट करा चुके हैं और ऐसे टाइम पे हम जीते ही बच्चों के लिए हैं और बच्चे ही वैक्सीनेट ना हो तो एक दर्द था, एक तकलीफ थी, तो उस दर्द और तकलीफ पे मरहम जो मोदी जी ने लगाया है, इससे अच्छा कोई फैसला नहीं है। तो क्या मानते हैं कि आपकी सोसाइटी में इस तरीके की हो जाए फैसिलिटी की जिससे बच्चों को यहीं पे वैक्सीन लग जाए? देखिए जी, मैं सरकार का बड़ा धन्यवाद देता हूँ, जितना जल्दी हो सके, जितना सबसे पहले नंबर लग सके, मैं सबसे पहले वैक्सीन लगवाना चाहूँगा। अच्छा, क्या आप मांगते हैं कि आपकी सोसाइटी में ही लगना चाहिए सर, गंगा अपार्टमेंट में ही अगर ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कहीं लगवाएंगे आप? जी, अगर मेरी सोसाइटी में ही अगर कैंपेन लग जाए और यहीं पे ही वैक्सीन लग जाए तो ये सबसे अच्छा है, नहीं तो जहाँ पे भी सबसे पहले अवेलेबल होगा मैं वहाँ पे जाके लगवाना पसंद मिलना है। हाँ जी बिल्कुल, बिकॉज ना इन 2022 मैं अपना बोर्ड दूंगी, तो आई थिंक ऑफलाइन स्कूल जाना मुझे बहुत बेनिफिट करेगा स्टडीज में, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है। तो क्या आप लोग यानी कि वैक्सीन लगवाने के लिए जाएंगे और लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? हाँ ऑफकोर्स, मैं तो जाऊंगी और मैं बाकी 15 ईयर ओल्ड 16 ईयर ओल्ड